संध्या बच्चों मेरी आवाज जा रही है दो एक सेकंड एक सेकंड चलिए कुछ प्रॉब्लम दिख रही है शायद आज चलिए बच्चों आज शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है आज आप सबका शायद कमेंट में नहीं पढ़ पाऊँगा लेकिन मैं थेरी को स्टार्ट कर रहा हूँ नहीं तो क्लासेस लेट स्टार्ट होंगी आशा है कि मेरी आवाज़ क्लियर होगी थोड़ा एक बार आप लोग ज़रा बताइए क्योंकि आपका कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है अगर कमेंट दिखाई देगा तो हम आप सबका कमेंट दोबारा पढ़ेंगे <coughs> समझ रहे नहीं है आप लोग देखिए आज आपको जो मॉडल है जो आपकी थियोरी है बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है और इस थियोरी को आपको बहुत ही डीपली पढ़ना होगा और इस थियोरी को इतना कंसेप्ट के साथ आपको सीखना होगा क्योंकि ये थियोरी हर जगह इम्पोर्टेंट हो जाती है और एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए आप लोग चलिए अभी आप सबकी अभी जरिए एक बार बोलिए मेरी आवाज़ क्लियर है अभी आप सबका चैट दिखा है चलिए माफ़ कीजिएगा आप सब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है टेक्निकल रिसू जा जाता है कुछ ज़रा स्टूडेंट्स बार बोलिए मेरी आवाज़ क्लियर है ज़रा बोलिए यति गुड इवनिंग रिचा करिए यस सर आ, ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए ठीक है आप सबका कमेंट अभी दिख रहा है मुझे देखिए रोशनी गुड इवनिंग सभी को सभी को गुड इवनिंग देखिए सबसे पहले तो आज हम सारे नेट के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देंगे और ये हम मान के चल रहे हैं कि नेट के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे मैंने क्वेश्चन को देखा बहुत सरल क्वेश्चन थे थोड़ा जो बच्चे मेहनत किए होंगे प्रैक्टिस सेट को हल किए होंगे थोड़ा थियरीज वगैरह को बहुत अच्छे से पढ़े हुए होंगे तो बहुत आराम से चीज़ों को समझ लिए ले होंगे लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे वो क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे क्वेश्चन सरल थे लेकिन टेक्निकल थे थियरी से क्वेश्चंस आए हुए थे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से थोड़ा क्वेश्चंस आए हुए थे आई एस एंड डेलम मॉडल से क्वेश्चन आया हुआ है तो आप देखेंगे कि बड़ा शानदार क्वेश्चंस इस बार पूछा था आपके नेट के जे के एग्जाम में हम क्वेश्चन के को ऊपर डिस्कस करेंगे किसी दिन लेकिन अभी थोड़ा समय नहीं है और थोड़ा मैं व्यस्त रहता हूं दिन भर तो इसलिए आप सबके बीच में अलग टॉपिक के ऊपर मैं क्लास शायद ना ले पाऊं लेकिन मैं इसके ऊपर जरूर डिस्कस करूंगा अब देखिए स्टूडेंट्स एक बात ये निकल कर आ रही है कि आज का जो मॉडल है आपका आज का जो मॉडल है वो इतना इंपॉर्टेंट मॉडल है पीजीटी वाले बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे जे आर एफ वाले बच्चे भी इस बात को ध्यान से समझेंगे जो ये मॉडल है आज आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल है इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का ही मॉडल है रोडान मॉडल देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा रोजेस्टीन रोडान मॉडल या इसी को बिग पुश थियरी कहते हैं क्या कहते हैं स्टूडेंट बिग पुश थियरी भारी धक्के का सिद्धांत <laughs> देखिए आप सबको इस पर बहुत ध्यान से बहुत ही कंसेंट्रेशन के साथ चीजों को सुनना है थोड़ा टेक्निकल है हार्ड नहीं है बहुत सरल है थोड़ा फिगर है आपको बहुत चीजों को एकदम स्पष्ट सुनना हो कहीं प्रॉब्लम होगी हम आपके सामने हैं आप मेरे सामने हैं आप क्वेश्चन भास्कर कह रहे हैं सर थोड़ा बड़ा लिखिए कम दिख रहा है हमें भास्कर थोड़ा आप वीडियो की क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए थोड़ा तीन सौ साठ चार सौ अस्सी के बीच में देखिए तो स्पष्ट दिखेगा बहुत बड़ा मेरी लिखने की आदत नहीं है बहुत बड़ा बड़ा लिखें क्योंकि जो आदत होती है लिखने की लगभग सामान्यता वही लिखने की आदत पड़ जाती है अब मेरी आदत बहुत बड़ा बड़ा लिखने की नहीं है तो हो जाएगा मैं प्रयास करूँगा कि मैं बड़ा लिखूँ लेकिन थोड़ा आप अपने तरह से देखने का थोड़ा आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए ना कि टीचर की सब कुछ नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप देख ले रहे हैं समझ ले रहे हैं तो ठीक है अगर नहीं देख पा रहे हैं तो थोड़ा क्लियरिटी को बढ़ा लीजिए अगर इसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा हम बदलने का प्रयास करेंगे थोड़ा तो बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे समझ रहे नहीं आप अब देखिए जो रोजिस्टीन रोडान मॉडल है इसके थोड़ा बैकग्राउंड से हम चलते हैं बड़ा मजेदार थियरी है स्टूडेंट्स बैकग्राउंड थियरी पर चलेंगे देखिए वास्तव में जो रजिस्ट्रोड मॉडल है या जितने भी हम मॉडल्स को पढ़ेंगे हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि जितने भी मॉडल्स को पढ़ा चाहे ऑफलाइन क्लासेस के दौरान पढ़ा चाहे ऑनलाइन क्लासेस के दौरान पढ़ा तो जितने भी ग्रोथ मॉडल्स आए लगभग सारे ग्रोथ मॉडल्स अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के संदर्भ में आए और एक अलविकसित देश को किस तरीके से विकास के पद पर आगे बढ़ना चाहिए इसके लिए लगभग जो है कि बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने विभिन्न विभिन्न मॉडल को लाया अगर आप देखें सम्प्यूटर का इसी अलविकसित देश के संदर्भ में आगे ले जाने के लिए इनोवेशन की थ्योरी आती है आप देखते हैं इसी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज को विकास के पद पर ले जाने के लिए आप देखेंगे क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की थियरी आती है का मॉडल आता है सम्प्यूटर का मॉडल आता है हटरे का मॉडल आता है जिसमें यह बताया जाता है कि अगर कंट्री के अंदर विकास करना है आपको अधिक से अधिक तो आपको इन्वेस्टमेंट करे लेकिन इन्वेस्टमेंट एक निश्चित टाइम में किया जाए तो एक कंट्री अधिक विकसित करेगा इसी तरह लेविस का मॉडल आता है आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर से किस तरीके से लेबर को इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ शिफ्ट किया जाए वो अंडर डेवलपमेंट कंट्री किस तरीके से विकास करेगा इसके ऊपर मॉडल देते हैं अगर आप और आगे जाएं तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स आते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के संदर्भ में कि लेबर स्पेशलाइजेशन किया जाए अगर आप लेबर ज्यादा से ज्यादा स्पेशलाइज करेंगे तो जिस कंट्री के लेबर ज्यादा स्पेशलाइज होंगे जिस क्षेत्र में ज्यादा इफिशियंट होंगे वहां पर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी जब बढ़ेगी तो उनका इनकम जनरेशन पावर बढ़ेगा और जब इनकम जनरेशन पावर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उस कंट्री का ग्रोथ ठीक ठाक होगा इसके अलावा आप देखेंगे कहीं ना कहीं मालथा आते हैं और अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप जरा समझिए इस बात को कि जितने भी अर्थशास्त्री क्रमबद्धता तरीके से आए और क्रमबद्ध तरीके से मॉडल्स को दिया को दिया कि एक अल्पविकसित देश किस तरीके से विकास के पद पर आगे बढ़ेगा और उसके विकास के मायने को समझाने के लिए उन्होंने अपने मॉडल्स के अंदर विभिन्न अर्थशास्त्रों में विभिन्न टूल्स का प्रयोग किया समझ रहे नहीं आप कोई इन्वेस्टमेंट की बात करता है कोई मनी सप्लाई की बात करता है कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मनी सप्लाई की बात करता कि रेट है रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाइए इसके माध्यम से लोगों को एक सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी महंगी मॉनेटरी पॉलिसी नीति को अपना करके आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सॉल्व कर सकते हैं कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट का पैटर्न बढ़ा सकते हैं जैसा कि हार्ट्री और हेक के मॉडल में आप लोगों ने देखा अब मेरा आज का जो मॉडल है 1940 का मॉडल है स्टूडेंट्स ये 1940 का मॉडल है बहुत ध्यान से समझिएगा हम बैकग्राउंड लेकर चलेंगे देखिए कोई भी मॉडल्स जब ग्रोथ का मॉडल आता है हेडयर्स जितने भी ग्रोथ के मॉडल हैं वो ग्रोथ के मॉडल दो तरीके से हो सकते हैं या तो बैलेंस ग्रोथ हो सकता है देखिए मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं ये किताबों में लिखा नहीं गया है बहुत ध्यान समझिएगा एक तो होता है बैलेंस्ड बैलेंस्ड ग्रोथ और एक स्टूडेंट होता है अनबैलेंस ग्रोथ अनबैलेंस्ड ग्रोथ यानी मेरे कहने का मतलब होता है एक संतुलित समृद्धि होता है या संतुलित विकास कह सकते हैं संतुलित समृद्धि और दूसरा आपका होता है असंतुलित समृद्धि असंतुलित समृद्धि यानी जो आपके रोजिस्टीन रोडान का मॉडल है जो बिग पुश थियरी है वास्तव में बुगफिस थियरी एक बैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल है जे वाले बच्चे पीजीटी वाले बच्चे इस बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि जो आपका बिग पुश थियरी है जो रोजिस्टीन रोडान का मॉडल है वो वास्तव में एक बैलेंस ग्रोथ मॉडल है कौन सा मॉडल है एक बैलेंस ग्रोथ मॉडल है ये अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल नहीं है क्योंकि बहुत सारे मॉडल अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल पर फोकस करते हैं बहुत सारे मॉडल्स बैलेंस ग्रोथ के मॉडल पर फोकस करते हैं तो बेसिकली जो आज मैं थियरी की चर्चा आप लोगों के बीच में करूंगा वो एक बैलेंस ग्रोथ मॉडल है क्या है स्टूडेंट्स एक बैलेंस बैलेंस ग्रोथ मॉडल है देखिए स्टूडेंट्स एक बात अ, मेरी बहुत बुरी आदत है चाहे आप लोग अच्छी माने चाहे बुरी माने मैं जब कहता हूँ कि मेरी क्लास में आप लो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो कमेंट्स पर विशेष ध्यान जब मैं कहता हूँ कि यश नोम उत्तर आप दिया करिए ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन लिखिए अब कई बच्चे कह रहे हैं लाइक कर दो सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब कोई मतलब नहीं है मेरे लिए मैं यूट्यूब पर इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए मेरे लाइकर्स लाइक करने वाले की संख्या बढ़ जाए नहीं मैं आप सब आप सबके बीच में ऑफलाइन के अलावा किस तरीके से आप सबकी और मैं हेल्प कर सकता हूँ इस माध्यम के लिए मैं YouTube चैनल के ऊपर आया जबकि मेरा उद्देश्य स्टूडेंट्स यहां पर ये यह नहीं है कि मैं बहुत सब्सक्राइबर्स बन मुझे बहुत रुपए मिलने लगे नहीं समझ रख नहीं आप तो आप लोग भी बयालीस बार कमेंट्स मत करिए लाइक करो सब्सक्राइब करो कोई मतलब नहीं लाइक एंड सब्सक्राइब कोई, मतलब कोई मतलब नहीं समझ रख नहीं आप आप सब पढ़िए अच्छे से इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए किसका लाइक कर रहा है कौन सब्सक्राइब कर रहा है इसकी मुझे कोई चिंता भी नहीं है मैं लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए आप सबके बीच में नहीं आता ओके तो रोजस्टियन रोजिस्टियन रोडान मॉडल एक अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के संदर्भ में आता है जो ये मॉडल है स्टूडेंट्स वह है एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री अंडर डेवलपमेंट कंट्री अल्प विकसित रोजिस्टियन रोडाउन मॉडल जो है वह एक अल्प विकसित देश के ऊपर

आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि एक अलविकसित देश के अंदर ऐसी बहुत सारी कैरेक्ट्रिस्टिक्स पाई जाती हैं ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं जिसके आधार पर आप बता सकते हैं कि सर यह एक देश अलविकसित है या एक देश विकासशील है आप जानते हैं कि एक देश इसलिए गरीब होता है अगर आप लोगों ने वी सी एस सर्किल ऑफ पॉवर्टी नर्कसे के मॉडल को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों की एक बात ये मालूम होगा कि सर जो एक अलविकसित देश की कंट्री है एक जो अलविकसित देश है वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है वहाँ पर एक व्यक्ति पूरी दक्षता के साथ वर्क कर सके उसके पास ओ एजुकेशन पावर नहीं है अगर उसके पास एजुकेशन पावर थोड़ा बहुत है भी लेकिन उसके पास ओ इनकम का लेवल नहीं है वो तो एक नरिशमेंटल युक्त भोजन करके अच्छे से आठ घंटे वर्क कर सके आप जानते हैं कि अंडर डेवलपमेंट कंट्री एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की बात करता है एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री के अंदर या एक देश किसी प्रधान देश की श्रेणी में रखा जाता है जिसकी लगभग 100 परसेंट की 70 से 60 परसेंट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होती है वो इकोनॉमिक एजेंट के रूप में इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर पाते इसकी बात की जाती है तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है कि अल विकसित देश में एजुकेशन फैसिलिटीज मेडिकल फैसिलिटीज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन न कर पाना और उसके बाद अधिक से अधिक अनएम्प्लॉयमेंट अधिक से अधिक वहां पर आप देखेंगे नॉलेज की पाई जाती है लोगों के पास नॉलेज का अभाव पाया जाता है कैपेसिटी कम पाई जाती है एक नरिशमेंटल युक्त भोजन नहीं कर पाते हैं इसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं। कुछ बेसिक कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं एक अलविकसित देश के संदर्भ में जो एक व्यक्ति एक अच्छी जगह का जाकर के एक अर्बन एरिया में जाकर के एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाकर के अच्छे से वर्क नहीं कर पाता और वर्क नहीं कर पाता उसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं अच्छा मेरी आवाज क्लियर है डियर्स सभी को मेरी आवाज क्लियर है जरा बोलिए आप लोग देखिए मेरी आवाज क्लियर होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि मैं आप सबके बीच में थोड़ा स्लो बोलूं आप जानते हैं कि आप सब थोड़ा थकान तो लगी जाती है दिन भर बोलते बोलते अब दिन भी लंबा होता है एक बार भोजन करके दिन भर चिल्लाना आप सबके बीच में तो एक एनर्जी लॉस हो जाती है लेकिन मेरे कहने का मतलब ये होता है कि मेरी आवाज आप सब तक स्पष्ट जाती रहे मैं स्लो बोलूंगा चलेगा लेकिन आवाज स्पष्ट होनी चाहिए अब जरा देखिए स्टूडेंट्स रोजिस्टिन रोडान रु� का जो सबसे बड़ा व्यू आता है जो रोडान का मॉडल है वो अनएम्प्लॉयमेंट देश के ऊपर शामिल है एक देश के ऊपर संदर्भित है सरगर्भित है डिपेंड्स करता है या उसके संदर्भ में डिस्कस करते हैं अब इसके बाद रोजस्टिन रोडान मॉडल कहते हैं कि एक अलविकसित देश इसलिए अलविकसित होता है क्योंकि उसके अंतर्गत लो लेवल इनकम ग्रुप पाया जाता है कंजम्पशन कैपेसिटी कम होती है डिमांड कैपेसिटी कम होती है इन्वेस्टमेंट का पैटर्न कम होता है और इसके माध्यम से ओवरऑल अर्थव्यवस्था के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स क्रिएट होती है अब यहां पर रोजिस्टिन रोडॉन मॉडल कहते हैं देखिए जैसा कि इनके मॉडल से ही समझ में आ रहा है कि अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर एक बुक पिस की एक एक एक, एक बिग पुस की आवश्यकता है एक एक, एक जबरदस्त धक्के की आवश्यकता है बिग पुस एक लंबे धक्के की आवश्यकता है जहां क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की बात की जाती थी कि एक अल विकसित देश के विकास के पथ पर आगे जाने के लिए एक क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की आवश्यकता है बड़ा नहीं एक क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की आवश्यकता है जबकि क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट बिग पुस की आलोचना करता है हमें एक लंबे धक्के की आवश्यकता नहीं है हमें कुछ प्रयास करना है छोटा प्रयास करना है कम प्रयास करना है समझ रहे नहीं यार एक, एक धक्के की बात करता है एक छोटे प्रयास की बात करता है एक आवश्यक एक आवश्यक प्रयास की बात करता है वही बिग पुस्ट थियरी एक लंबे एक जबरदस्त धक्के की बात करता है कि कंट्री के अंदर एक लंबा धक्का होना चाहिए अब देखिए स्टूडेंट्स को बताते हैं कि एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री में प्रॉब्लम क्या आती है एक कायनात कह रही है सर चलिए आप लोग लाइव बने रहिए बड़े मजेदार थियरी है स्टूडेंट्स ये कहते हैं ये कहते हैं कि एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री में जो होता है जो एक अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज होती है जो अलविकसित देश होते हैं उस अलविकसित देश में प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर पूंजी का अभाव पाया जाता है और पूंजी का अभाव होने का मतलब ये होता है कि अंडर अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में डिमांड बहुत ज्यादा कम पाई जाती है और डिमांड कम होने से वहां पर इनकम का पैटर्न बहुत कम होता है जिसका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और कंट्री के अंदर जब डिमांड नहीं बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि सारी की सारी अर्थव्यवस्था डिमांड के ऊपर ही कहीं ना कहीं डिपेंड्स है अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए प्रोडक्शन उसी के ऊपर जब डिमांड ही नहीं हुई प्रोडक्शन ही नहीं होगा आप समझ रहे नहीं इस बात को तो कंट्री के अंदर उन्होंने इस बात को बताने का प्रयास किया स्टूडेंट्स कि जो कंट्री के अंदर लैक ऑफ डिमांड है जो कंट्री के अंदर लो लेवल इनकम ग्रुप है जिसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो रहा है तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक बुग ए एक बिग इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात किया कि अगर आप कंट्री के अंदर एक निश्चित समय के अंदर एक समय अनुसार अगर आप एक लंबे एक 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 बिग इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करेंगे अगर आप बिग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके माध्यम से कंट्री के अंदर ग्रोथ होगा कंट्री आगे चलेगी अभी हम इसके मॉडल्स के अंदर जाएंगे कि इन्होंने किस किस टूल्स का प्रयोग किया इन्होंने जितने टूल्स का प्रयोग किया हम सारी बात करेंगे सारे चीजों को हम आगे ले चलने का प्रयास करेंगे देखिए ये बात करते हैं कि जो एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री होती है उसके अंदर आप देखेंगे कि इन्होंने पाया अपने रिसर्च हालांकि रो, रोजिस्टिन रोडॉन जो मॉडल है वो कोई एक मॉडल नहीं है डेयर्स वह एक थेसिस है क्या है एक एक थीसिस है अपने उन्होंने इस थीसिस में इस बात को बताने का प्रयास किया कि एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री किस तरीके से विकास के पथ पर आगे बढ़े तो उन्होंने बिग पुश की बात किया बिग इन्वेस्टमेंट की बात किया कि एक लंबे धक्के की एक लंबे निवेश की हो सकता है उनकी एक थीसिस थी लगभग अब जरा देखिए उन्होंने बताया कि अंडर डेवलपमेंट कंट्री में सबसे बड़ी बात होती है कि वहां पर डिमांड कम होता है और डिमांड के कम होने से आप देखेंगे कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा और जब प्रोडक्शन कम हो जाता है स्टूडेंट्स तो प्रोडक्शन के कम होने से आप जानते हैं कि लोगों का इनकम का पैटर्न घट जाता है आप समझ रहे हैं इसलिए इनकम घट जाता है क्योंकि वहां पर अनएंप्लॉयमेंट की संख्या बढ़ जाती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री में कि लो लेवल इनकम ग्रुप पाया जाता है डिमांड कम पाई जाती है अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल पाया जाता है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट पाया जा रहा है कि लोग उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा जाकर के इंडस्ट्री सेक्टर में काम कर सके अब आपको एक बात यहां पर समझना होगा कि एक अलविकसित जो कृषि प्रधान देश है तो इसका मतलब है कि कृषि प्रधान देश का मतलब यह होता है कि सारे के सारे लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे तो वहां पर डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाएगा आवश्यकता से अधिक लेबर काम कर रहे हैं अब जो एक छोटा लेवल इनकम का ग्रुप है जो एक कम इनकम का ग्रुप है जैसे मान के चलिए कि चार बीघे की जमीन है अब चार बीघे की जमीन में एक पिता के पास दस बच्चे हैं

दूसरी बात इन्होंने किया दूसरी बात इन्होंने किया कि सर जी इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव पाया जाता है एक अल्प विकसित देश के संदर्भ में इन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चरल लैक पाया जाता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव पाया जाता है अंडर डेवलपमेंट कंट्री में तो उन्होंने ये बताया कि जो ये बाह्य मितब्याए हैं विधविताएं या इसे कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो कहीं ना कहीं एक देश को एक अलविकसित देश को विकास के पथ पर आगे जाने के लिए बाधा उत्पन्न करती हैं स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे कि कोई भी कंट्री हो चाहे भारत हो जितने भी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज होती हैं लगभग उनके विकास के पथ पर जाने में एक दशक लगता है सदियां लगती हैं बहुत लंबा समय लगता है तो उस लंबे समय में जो उसके विकास के पथ में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं जो भी एक्सटर्नल इकोनोमीज हैं उसको हम किस तरीके से दूर करें इसकी भी बात करती है आपकी विक थियरी। अब देखिए उन्होंने तीन रीजन्स की बात किया कि किसी भी अलविकसित देश के अंदर तीन सबसे बड़ी रीजन्स पाए जाते हैं कितने तीन सबसे बड़े रीजन पाए जाते हैं अगर इन रीजन को तोड़ दिया जाए अगर इन रीजन को तोड़ दिया जाए इन कारणों को समाप्त कर दिया जाए तो एक देश विकास के पद पर बहुत आराम से चला जाएगा और उस तीन कारणों को समाप्त करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक साधन है बिग पुस वो करते हैं कि इन तीन कारणों को समाप्त कैसे किया जाएगा तो उन्होंने इसके लिए बुक पिस की बिग पुस की बात किया एक एक जबरदस्त धक्के की बात किया एक बिग इन्वेस्टमेंट की बात किया देखिए तीन रीजन की बात करते हैं ये ये तीन रीजन्स की बात करते हैं पहला उन्होंने बताया इंडी विजिबिलिटीज इंडी विजुअलिटीज ऑफ डिमांड इंडिविजुबिलिटीज ऑफ डिमांड दूसरा है आपका स्टूडेंट्स इंडिविजुअलिटीज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इसको लिखना है अच्छे से तीसरा है आपका इंडिविजुअलिटीज ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग देखिए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान समझिएगा ये पीजीटी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि रोजेस्टिन रोडॉन ने एक अल विकसित देश को विकास के पथ पर जाने के लिए जो तीन टूल्स का प्रयोग करते हैं जो तीन रीजंस की बात करते हैं कि एक अलविकसित देश में बहुत ही तीव्र गति से पाया जाता है अगर इसको समाप्त कर दिया जाए अगर इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए तो एक देश कही न कहीं ना कहीं विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है और इसको समाप्त करने के लिए उन्होंने बिग पुस की बात किया उन्होंने एक बिग इन्वेस्टमेंट की बात किया स्टूडेंट्स इन्होंने पहला बताया इंडिविजुअलिटीज ऑफ डिमांड दूसरा बताया ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन लिख लीजिएगा प्रोडक्शन फंक्शन और तीसरा बताया इंडिविजुअलिटीज ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग यानी इंडिविजुअलिटीज का मतलब यह होता है अविभाज्य अविभाज्य का मतलब होता है मांग को विभा का मतलब होता है मांग को समाप्त करिए आप यानी जो जिस रूप में उसी रूप में समाप्त होगा मांग को अगर मांग कम है तो आप मांग को कैसे बढ़ाएंगे आप जानते हैं कि एक अल्प विकसित देश में एक अल्प विकसित देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है स्टूडेंट्स कि वहां पर डिमांड बहुत कम पाई जाती है डिमांड इसलिए कम पाई जाती है क्योंकि लोगों के पास इनकम भाव कम कम होता है और इनकम इसलिए कम पाई जाती है कि उनके पास एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है और जब उनके पास इन सब का भाव पाया जाएगा तो आप जान सकते हैं कि वो व्यक्ति किस तरीके से अपने डिमांड को बढ़ा सकते हैं तो डिमांड को बढ़ाने के लिए रोजस्टिन रोडान ने कहा कि गवर्नमेंट को यहां पर या किसी भी व्यक्ति को एक लंबे धक्के की आवश्यकता है एक शानदार धक्के की आवश्यकता है एक बुक पिस की आवश्यकता है बात समझिए आप इस बात को दूसरा है प्रोडक्शन फंक्शन जब डिमांड ही कम है तो प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेगा आप समझिए इस बात को इंडिविजुअलिटीज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन किस तरीके से प्रभावित होगा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेबर चाहिए। और लेबर के पास नहीं है। उनके पास नॉलेज नहीं, नहीं है तो एक एक, एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेबर की आवश्यकता है और लेबर उतने एफिशिएंट नहीं है इतना ज्यादा मजबूत नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सके तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अभी हम सारे टॉपिक ऊपर वन बाय वन चलेंगे घबराइएगा मत हम एक एक टॉपिक ऊपर वन बाय वन चलेंगे उसके बाद सप्लाई ऑफ सेविंग सेविंग इसलिए घटती है क्योंकि इनकम कम होता है तो लोगों का इनकम कैसे बढ़े इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा आप जानते हैं कि इस कंट्री के अंदर लोगों का इनकम का लेवल कम होता है अब इनकम का लेवल क्यों कम है ये मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण एक अलविकसित देश में इनकम का पैटर्न कम होता है जिसकी वजह से सेविंग कम होती है और सेविंग जो होता है डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट जो है डिपेंड्स अपॉन सेविंग और सेविंग डिपेस्ट डिपेंड्स अपॉन इनकम और इनकम इज आल्सो लो तो कैसे काम चलेगा कि एक अलविकसित देश में हमेशा ऐसी प्रॉब्लम बनी रहती है स्टूडेंट्स चलिए आप सबको मेरी आवाज क्लियर है स्टूडेंट्स जरा बोलिए एनी प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बोलिए अब हम वन बाय वन चलेंगे ध्यान दीजिएगा चलिए इसको लिखे रहने दीजिए मैं यहां बात कर लेता हूं पहला है आपका इंडिविजुअलिटीज आप डिमांड अब जरा देखिए स्टूडेंट्स एक अल्पविकसित देश में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है आप समझिए एक अल्पविकसित देश के संदर्भ में आप जानते हैं कि जो डिमांड होती है वो कम होती है डिमांड बहुत कम होती है और डिमांड इसलिए कम होती है क्योंकि इनकम का पैटर्न बहुत कम होता है और इनकम का पैटर्न इसलिए कम होता है क्योंकि लोग अनुप्लॉयमेंट होते हैं क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज्यादा एक्टिव नहीं होते क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा इफिशियंट नहीं है उसके पास कैपेसिटी नहीं जरा वो बताइए इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे कर सकता है और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास कैपिटल का अभाव पाया जाता है अगर आप देख लें तो कैपिटल बहुत कम पाई जाती है और जब कैपिटल बहुत कम पाई जाएगी तो कैपिटल के कम होने की वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा तो मेरे कहने का मतलब यह होता है स्टूडेंट्स जो ये इनकम है अगर इनकम को देखा जाए तो इसलिए कंट्री के अंदर इनकम कम होती है इसलिए कंट्री के अंदर इनकम कम होती है क्योंकि यहां पर लोगों का जो एजुकेशन है वो बहुत कम पाया जाता है इसके अलावा आप देखेंगे कि सजी फैमिली फैमिली बहुत ज्यादा पाई जाती है एक पिता कमा रहा है तो बीस लोग उसके ऊपर डिपेंड हैं सारे के सारे लोग एक पिता के ऊपर डिपेंड हैं और जब एक परिवार के अंदर लोगों का इनकम तो वैसे भी कम है और उसके बाद पूरी की पूरी जो परिवार के सदस्य हैं वो एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है तो जरा बताइए आप इनकम का पैटर्न कैसे बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता तो फैमिली की संख्या ज्यादा है इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सर जी कह सकते हैं उनके पास जब पूंजी कम है पूंजी कम होने से वो बा है या कह सकते हैं कि आप एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे या इन्वेस्टमेंट उनका घट जाएगा इन्वेस्टमेंट घट जाएगा समझ रहे नहीं आप तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो एक अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर लोग पाए जाते हैं उनके इनकम का पैटर्न इसी कैटेगरी का होता है क्योंकि एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते तो यहां पर रोजिस्टीन रोडान कहते हैं कि यहां पर एक बुक पिस की आवश्यकता है अगर आप बुक पिस करेंगे जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जाम्पल से अगर लू मैं इसको मिटा दे रहा हूं थोड़ा नीचे जाएगा दिख नहीं पाएगा उन्होंने बताया जैसे मान के चलिए एक कंपनी है एक कंपनी है ए और इस कंपनी ने मान के चलिए कि 500 करोड़ 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया बहुत ध्यान समझिएगा अब ये 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया किसमें मान के चलिए कि एक सर्ट की फैट सर्ट की कंपनी है ये सर्ट बना रही है अब इस साइड को बनाने के लिए आप जानते हैं कि इसमें लेबर लगेंगे बोलिए अब जो ये लेबर हैं ये लेबर कहीं ना कहीं इस कंपनी के माध्यम से मनी पाएंगे बोलिए तो जब ये मनी पाएंगे तो मनी के माध्यम जो ये मनी है इस मनी के माध्यम से ये खरीदेंगे मान के चलिए चप्पड़ ये खरीदेंगे चावल ये खरीदेंगे दाल इसके अलावा खरीदेंगे नमक इसके अलावा खरीदेंगे मान के चलिए कि साबुन भाई बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं यानी कि जितने ये लेबर्स हैं ये लेबर्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स की इस जो इस कंपनी ने पांच सौ रुपए यानी पांच सौ करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया साइट में और ये लेबर जो साइट में काम करेंगे इनको मिलेगा वेज या इनकम कह सकते हैं और जो ये इनकम मिलेगी इस मनी को इस इनकम को ये लोग चपड़ में खर्च करेंगे चावल में खर्च करेंगे दवा मान चलिए दाल में खर्च करेंगे नमक में खर्च करेंगे साबुन में खर्च करेंगे लेकिन ये साइट की डिमांड नहीं करेंगे और जब ये शर्ट की डिमांड नहीं करेंगे धीरे धीरे आगे चलकर ये शर्ट की कंपनी क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी और जब ये सर्ट की कंपनी बंद हो जाएगी तो इसका मतलब ये होता है प्रोडक्शन प्रोसेस बंद हो जाएगा और जब ये प्रोडक्शन प्रोसेस बंद हो जाएगा तो इसका मतलब ये लेबर बाहर कर दिए जाएंगे और जब ये लेबर बाहर कर दिए जाएंगे तो ये मनी घट जाएगी ये मनी मिलना बंद हो जाएगी और जब ये मनी मिलना बंद हो जाएगी तो इसकी भी डिमांड रुक जाएगी इसकी भी डिमांड रुक जाएगी इसकी भी डिमांड रुक जाएगी इसकी यानी सबकी डिमांड रुक जाएगी और कंट्री का जो ग्रोथ का लेवल है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कम हो जाएगा तो रोजिस्टिन रोडान कहते हैं कि एक यहां पर एक बुक पिस की आवश्यकता है और बुक पिस का मतलब यह होता है कि जो आपने 500 का इन्वेस्टमेंट किया है ठीक है आपने इन्वेस्टमेंट किया ये अच्छी बात है लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट सारा का सारा एक ही जगह कर दिया ना अगर आपने इस 500 में से 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया होता चप्पड़ में चप्पड़ इंडस्ट्री में अगर सौ करोड़ आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया होता है चावल इंडस्ट्री में अगर आपने सौ करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया होता साबुन इंडस्ट्री में तो इसके माध्यम से सौ करोड़ इन्वेस्ट सौ करोड़ यहां इन्वेस्ट सौ करोड़ यहां इन्वेस्ट तो इसका मतलब यह होता है जो पूरक उद्योग है अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो यहां पर भी लेबर लगते 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 और कहीं ना कहीं इससे अनइम्प्लॉयमेंट का पैटर्न सॉरी एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न बढ़ जाएगा और जब इम्प्लॉयमेंट का पैटर्न बढ़ जाएगा तो आप ये पाएंगे कि सर लोगों के पास इनकम का लेवल बढ़ जाएगा और डिमांड ठीक ठाक हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा जैसे ही डिमांड बढ़ेगा सारा मामला सार्ट आउट हो जाएगा आप समझ रहे हैं इस बात को तो उन्होंने बताया कि आप तो इन्वेस्टमेंट किया आपने एक बिग पुस की बात किया उन्होंने कहा लंबा आपने इन्वेस्टमेंट तो किया लेकिन लंबे इन्वेस्टमेंट एक ही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आप उस इन्वेस्टमेंट को विभिन्न सेक्टर में किस तरीके से कर रहे हैं जिसके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो सके ज्यादा से ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो सके आपको बहुत कॉन्सियस माइंड के साथ बहुत दिमाग लगा करके आपको उन विभिन्न सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है जिस सेक्टर में जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है जिनका डिमांड कम होता जा रहा है आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है उनके डिमांड को बढ़ाना है कि ताकि उनका डिमांड कैसे बढ़ सके स्टूडेंट्स मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं नहीं <coughs> बोलिए किसी कोई प्रॉब्लम हम एक बार पूछ रहे तो आगे बढ़ें यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम जरा एक बार आप लोग बोलिए बोलिए स्टूडेंट किसी कोई प्रॉब्लम आनंद आ रहा है नहीं आप सबको मॉडल पढ़ने में आनंद आ रहा है जरा बोलिए यति क्या नाम है रविंदर महिमा अंशिका पूनम जरा आप लोग बताइए स्टूडेंट्स पढ़ने में आनंद आ रहा है कि नहीं है आप सबको पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा है <laughs> आ? बोरियस लग रहा है क्या मॉडल्स वगैरह हो ऐसे होते ही हैं, लेकिन आप बहुत चीजों को ध्यान से समझेंगे थोड़ा बेसिक चीजों को पढ़े रहेंगे तो चीजें अरे भाई स्लीपर स्लीपर चप्पल हम भी गांव से हैं आप भी गांव से हैं गांव से नहीं है क्या? आप बताइए कह रहे हैं सर चप्पल क्या है अरे स्लीपर स्लीपर इन इंग्लिश यू कैन से स्लीपर <laughs> अब कह रहे हैं कि सर स्लीपर क्या है अब जरा देखिए स्टूडेंट्स इन्होंने बताया कि अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर चलेगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह मत करिए आप आप जैसे 500 इन्वेस्टमेंट करना है तो 500 का इन्वेस्टमेंट स्लीपर में कर दीजिए सौ सौ करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्लीपर इंडस्ट्री में कर दीजिए सौ करोड़ इन्वेस्टमेंट राइस इंडस्ट्री में कर दीजिए सौ करोड़ इन्वेस्टमेंट आप जो है सर्ट इंडस्ट्री में कर दीजिए तो आप जब ओवरऑल पांच सौ करोड़ का पांच इंडस्ट्री में अगर आप सौ सौ करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगर स्लीपर इंडस्ट्री में सौ लेबर काम करेंगे तो इसका मतलब यह है कि पांचों इंडस्ट्री में पांच लेबर काम करेंगे और वो ओवरऑल चाव, चावल चावल इंडस्ट्रीज व्यक्ति पैसा पाएगा दाल की डिमांड कर लेगा दाल इंडस्ट्रीज व्यक्ति पैसा पाएगा चावल की डिमांड कर लेगा और ऐसे क्या हो जाएगा कि हर एक सेक्टर में डिमांड पूरी तरीके से ठीक ठाक बनी रहेगी और इसके माध्यम से क्या होगा कंट्री के अंदर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप समझ रहे हैं तो रोस्टीन रोडॉन ने कहा कि आप एक निश्चित समय के अंदर आप एक बुक पिस की आवश्यकता है एक अल्पविकसित देश के के अंदर डिमांड को बढ़ाने के लिए सप्लाई ऑफ सेविंग को बढ़ाने के लिए आप समझ रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन को बढ़ाने के लिए एक बुक पिस की आवश्यकता है लेकिन जो बुक बिग पुस है जिस जो आप यहां पर एक लंबे इन्वेस्टमेंट की बात किया जा रहा है आप लंबा इन्वेस्टमेंट करिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करिए लेकिन अपने माइंड में एक बात ध्यान में रख के जाइए कि हमें किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए बाकी सेक्टर चला गया भाड़ में नहीं हर सेक्टर को अपने माइंड में रखना है और अपने माइंड में रख करके आपको डिमांड को इंक्रीज करना है और डिमांड को इंक्रीज करने के लिए सप्लाई ऑफ सेविंग को बढ़ाने के लिए और इसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन को बढ़ाने के लिए आपको विभिन्न सेक्टर में कितना कितना इन्वेस्टमेंट करना है कि ताकि सभी में ठीक तरीके से इंक्रीजमेंट हो सके ये ये बात करता है रोडान मॉडल ये बात करते हैं प्रोफेसर रोजस्टीन जो एक ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट हैं चलिए रोजस्टीन रोडान मॉडल की जब मैंने बायोग्राफी पढ़ा स्टूडेंट्स बड़े मजेदार अर्थशास्त्री रोजिस्टीन रोडान मॉडल जब मैं पढ़ा तो रोजस्टीन के विषय में मैं पढ़ा आप लोग पढ़िएगा मुझे बताइएगा नहीं किसी दिन हम रोजस्टीन के ऊपर चर्चा करेंगे रोजिस्टीन बड़े मजेदार अर्थशास्त्री रहे हैं उन्नीस सौ चालीस उनतालीस के आसपास ये मॉडल देते हैं एक ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े मजेदार अर्थशास्त्री हैं। मैं आप सबसे सारी चर्चाएं करूंगा अब जरा देखिए अगर मैं इसको एक फीगर से लेकर चलूं देखिए, अब थोड़ा फीगर ध्यान दीजिएगा फीगर में बच्चों प्रॉब्लम होती है भास्कर कह रहे हैं बस कीजिए सर अभी हार मान ली आप हारिए मत इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स का मतलब शानदार सब्जेक्ट अभी कह रहे हैं भास्कर कह रहे हैं सर बस कीजिए अभी तो सब कुछ बचा है तो शुरुआत है सिर्फ चलिए। मैं एक फिगर की बात करता हूं इन्हीं सारे बातों को मैं फिगर से लेकर चलने का प्रयास करूंगा देखिए यहां पर है आपका कॉस्ट एंड प्राइस और यहां पर है आपका क्वांटिटी अब देखिए स्टूडेंट्स आपको बहुत फीगर को बहुत ध्यान से समझना होगा फीगर को बहुत ध्यान से समझना होगा यह है आपका एम आर वन कर्वे और ये है आपका ए आर वन कर्व और यह है आपकी एम सी कर्व और ये है आपका ए सी कर्व एनी प्रॉब्लम किसी को फ़िगर में किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या ये आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है इसी को हम डिमांड भी कहते हैं यह आपका डिमांड कर्व है AR कर्व ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है और ये आपका एसी एवरेज कॉस्ट कर्व है समझ रहे नहीं आप आप अब इतना तो लोग जानते हैं कि सर ए आर के ब... जो है, उससे नीचे आपका एमआर कर्व है जो उसके आधे भाग पर उससे तेजी से गिरता हुआ पार्ट है ये आपका ए सी कर्व है ये आपका एमसी कर्व है जो यमआर कर्व को नीचे से ऊपर की तरफ काटता हुआ जाता है आप ये प्रथम ऑर्शन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं बोलिए इतना तो आप लोग जानते हैं ना बीए प्रथम वर्ष में पढ़ के आए होंगे नहीं पढ़े होंगे तो जाके रिवाइज कर लीजिएगा आप यह भी जानते हैं कि जहां पर यमार और यमसी एक दूसरे को कट करते हैं वही क्लिब्रियम पॉइंट होता है और यहां पर यमार इजक्वल टू यमसी होता है क्या होता है स्टूडेंट्स यमार इजक्वल टू होता है ये अपने माइंड में रखिएगा अगर इसको आप नीचे लेकर आए तो यहां पर क्वांटिटी आपका क्यू मिल जाएगा और ऊपर की तरफ ले जाने ये देखिए ये क्या है आपका बोलिए ये एसी है बहुत ध्यान समझिएगा फिगर को प्लीज ये आपका एसी करो है और इस एसी करो पर यहां पर टच किया ए बिंदु पर तो यहां से ये निकलकर चला आया सी यानी कास्ट और देखिए ये आपका ए आर करो है बहुत ध्यान समझिएगा थोड़ा मैं कलर इस्तेमाल कर लू ये यहां पर टच किया बी पॉइंट पर और यहां से लेकर जाएंगे तो ये आपका है प्राइस पी क्या है आपका स्टूडेंट्स प्राइस पी ये आपका डिमांड कर्व है ना ये डिमांड कर्व है तो इसे रिवेन्यू कहते हैं आगम इसे हिंदी में कहते हैं आगम वक्र क्या कहते हैं आगम वक्र ये आपका है औसत लागत वक्र क्या है औसत लागत वक एवरेज कॉस्ट तो यहां पर ये जितना पार्ट है आपका बोलिए अब जरा स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लागत ज्यादा लग रही है देखिए कॉस्ट कॉस्ट ऊपर है प्राइस नीचे है तो इसका मतलब ये है कि जो लागत है यानी लागत ओ सी है और प्राइस मिल रही है ओ पी मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जब कंपनियां एक अलविकसित देश के अंदर किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश करती हैं उनको ये नहीं मालूम होता है कंपनी के आ, कंट्री के अंदर डिमांड क्या है उनको ये ये थोड़ी नहीं देख के आती हैं कि ये अलविकसित देश है यहाँ पर संसाधनों का अभाव है यहाँ पर डिमांड कम होती है लो लेवल इनकम ग्रुप है ये माइंड में नहीं रखती है वो आती हैं आप जोग्राफी में पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल लोकेटेड थियरी और इंडस्ट्रियल लोकेटेड थियरी में वो कुछ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख करके इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर देते हैं और जब इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर देते अभी मैं बात करूंगा कि क्या क्या चीजें देखी जाती है एक इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने में लेकिन एक कंपनी का मालिक एक विदेश की जो कंपनी आएगी वो भारत में अगर स्टैब्लिस होगी तो थोड़ी ना देखेगी भारत के लोगों का डिमांड क्या है डिमांड बात की बात है लेकिन पहले कंपनी करेगी ना प्रोडक्शन करेगी ना बोलिए अब डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन घटाएगी बढ़ाएगी वो तो बात की बात है तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए लागत ज्यादा आ रही है लागत क्यू वन है जबकि उसकी प्राइस मिल पा रही है क्यू वन अगर मैं यहां पर लिखूं लागत Q1 वन बी है जबकि की कीमत जबकि की कीमत जो मिल रही है उसे सॉरी Q1 A है लागत Q1 A है और जो उसकी प्राइस है वो Q1 B है इसका मतलब जो है Q1 B बी इज लेस देन क्यू वन यानी यहाँ पर जो लागत है यानी जो पी बी ए सी जो पी बी ए सी ये पूरा का पूरा का पार्ट दिख रहा है इतना कंपनी का लॉस हो रहा है क्या हो रहा है स्टूडेंट्स इतना कंपनी का लॉस हो रहा है अगर कंपनी लॉस सहती जाएगी तो जरा बताइए उसका प्रोडक्शन घट जाएगा और वो कंपनी बंद हो जाएगी और जब कंपनी बंद हो जाएगी किस लिए बंद हो रही है लैक ऑफ डिमांड डिमांड कम पाया जा रहा है देश में तो वही रोडान कहते हैं कि अगर इस डिमांड को बढ़ा दिया जाए देखिए थोड़ा मैं फिगर बना रहा हूं इसी में बना दू बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उन्होंने कहा कि अगर इस डिमांड को बढ़ाकर इधर ले जाएं चलिए अगर डिमांड को बढ़ाइए जैसे मान के चलिए ये आपका डिमांड है मान के चलिए ए आर टू और डिमांड के साथ है, ये ये है आपकी एम आर वन सॉरी एम आर टू देखिए ये यानी जो आपका ए आर कर्व है यहां से खिसक कर यहां चला गया यानी मांग बढ़ गई देखिए ये मांग बढ़ गई और ये एम आर एम आर वन कर्व इधर से खिसक कर इधर चला आया एम आर टू हो गया तो जरा देखिए यमसी कर्व यम करो कर्व को यहां पर कट कर रहा है बोलिए और एसी कर्व जो है यहां पर कट कर रहा है ये देखिए अगर आप देखें इसको थोड़ा आप सही से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा हम फ्री हैंड बना रहे हैं ये है आपका ए ए आर टू अब देखिए यहां पर कट किया ये यहां पर अगर हम लेंगे तो यहां पर C1 वन कास्ट आ जाएगी और इसकी प्राइस क्या हो गई P2 हो गई तो अब जरा देखेंगे आप लोग स्टूडेंट्स सॉरी एवरेज रिवेन्यू अब देखिए एवरेज रिवेन्यू यहां पर कट किया ये देखिए ये इसकी कॉस्ट आ गई सी ये है ना इसका ये है। इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू ये है ये ये इसकी प्राइस है तो अब कास्ट क्या हो गई स्टूडेंट्स इसकी कास्ट जो हो गई वो कम हो गई और इसकी जो प्राइस है वो ज्यादा हो गई यानी जो रेवेन्यू है जो उसकी एवरेज रेवेन्यू है वो अब ज्यादा हो गई रेवेन्यू उसकी ज्यादा हो गई ए और जो उसका कास्ट है वो कम हो गया देखिए इसकी जो कास्ट है आप थोड़ा फिगर लंबा बनाएंगे चीजें स्पष्ट हो जाएंगे देखिए ये आपका ए आर कर्व है ये वन, अब का गया यहां अगर आप पिन मिलाएंगे तो ये वाला पार्ट इसकी प्राइस कहलाएगा पी टू और यहां पर लाइन लाइन है ये कास्ट यहां से मिलकर आएगा ये सी हो जाएगा समझ रहे नहीं आप तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट ये वाला पूरा का पूरा का पार्ट जो कहलाएगा वो कहलाएगा इसका प्रॉफिट तो प्रॉफिट कैसे बढ़ रही है ये रोजस्टिन रोडान कहते हैं डिमांड के बढ़ने से और डिमांड कैसे बढ़ेगा जब डिमांड बढ़ेगा एक लंबे इन्वेस्टमेंट के दौरान आप डिमांड को बढ़ाइए डिमांड पर फोकस करिए तो जो इंडिविजुअलिटीज ऑफ डिमांड है उस इंडिविजुअलिटीज ऑफ डिमांड को एक लंबे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप दूर करिए और जब दूर करेंगे आप तो इसके माध्यम से कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जाएगी और जब कंपनी लॉस में नहीं जाएगी तो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होगा इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा इनकम जनरेशन बढ़ेगी और कंट्री ग्रोथ के पद पर आगे बढ़ेगी जरा बोलिए फिगर में किसी कोई प्रॉब्लम जरा बोलिए फिगर में किसी कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आप सब बोलिए फिगर में किसी कोई प्रॉब्लम अगर फिगर में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर बना दू फिगर सभी को समझ में आया देखिए जो बच्चे ए आर एम आर ये सब पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में उनको समझ में आया होगा लेकिन जो एम आर ए आर ये सब नहीं पढ़ के आए होंगे थोड़ा उनको प्रॉब्लम होगी कि सर ये आपने कैसे बना दिया चलिए वेरी गुड वेरी गुड अब जरा देखिए दूसरी की बात करते वो दूसरा था इंडी इंडिविजुअलिटीज ऑफ अ प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन अब इन्होंने बताया कि उत्पादन को बढ़ाएंगे कैसे आप उत्पादन को उन्होंने बताया कैसे कहें कि वहां पर एजुकेशन कम पाया जाता है वहां पर रोड का अभाव पाया जाता है रोड के अलावा वहां पर टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी का अभाव पाया जाता है टेक्नोलॉजी के साथ साथ वहां पर डिमांड का अभाव पाया जाता है जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स, ये मान के चलिए एक रोड है एक रोड है ये अब मान के चलिए एक साल एक साल इन्वेस्टमेंट हुआ तो इतनी रोड बनी फिर दूसरे साल इन्वेस्टमेंट हुआ इतनी रोड बनी फिर तीसरे साल इन्वेस्टमेंट हुआ इतनी रोड बनी तो जरा आप बताइए जब इस रोड को बनने में जहां पर एक साल में रोड बन जानी चाहिए वहां इसको बनने में पंद्रह साल लग रहा है तो जरा बताइए जब रोड यहां पर आप पाएंगे कि इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का अभाव पाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का अभाव पाया जाता है इसके साथ ही साथ वाटर का अभाव पाया जाता है तो इन के अभाव की वजह से और रोड का सही से निर्माण ना होने की वजह से रोड के चलिए यहां पर रोड इतना बना फिर दूसरे साल इतना बना फिर तीसरे साल इतना बना और जहां पर रोड को एक साल बनना चाहिए पंद्रह साल लग रहा है जब रोड नहीं सही होगा जरा बताइए ट्रांसपोर्टेशन कैसे पहुंचेगा वहां पर रॉ मटेरियल्स कैसे पहुंचेगा फैक्ट्री स्टैब्लिश होगी तो पहले रोड देखेगी इलेक्ट्रिकसिटी देखेगी वहां पर वाटर देखेगी वहां पर मार्केट का साइज कैसा है वो देखेगी तब तो जाके फैक्ट्री स्टैब्लिश होगी तो जाके कंपनी अपने कार्य को प्रा, करना प्रारंभ करेगी अपने अपने आप को करेगी तो जब इन सब का इन सब का का लायक पाया पाया इन अभाव जाएगा तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है तो आपको यहां पर क्या करना होगा इन्वेस्टमेंट करना होगा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना एजुकेशन को बढ़ाना होगा रोड को बढ़ाना होगा टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करना होगा डिमांड को बढ़ाना होगा इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ाना होगा वाटर को बढ़ाना होगा रोड ठीक तरीके से बनाया जा सके उस पर इन्वेस्टमेंट करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आकर के अपने आप को स्टेब्लिश करें और जब कंपनियां ज्यादा से ज्यादा स्टेब्लिश होंगी तो आप जानते हैं कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा इनकम बढ़ेगा और इनकम जब बढ़ेगा सेविंग बढ़ेगी और जब सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और पूरी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी स्टूडेंट्स समझ रहे हैं नहीं आप लोग अब देखिए इतना चीज तो उन्होंने बताया कि इंडिविजुअलिटी या प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें इतने चीजों में इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे इतने चीजों में हमको ध्यान देना पड़ेगा अगर इन सब में ध्यान नहीं देंगे तो कभी भी प्रोडक्शन फंक्शन आप मजबूत नहीं कर सकते प्रोडक्शन को आप नहीं बढ़ा सकते तो जस्टिन रोडान ने कहा कि हमको एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित मात्रा में हमको एक लंबा निवेश करना होगा इन सब क्षेत्रों में इन सब क्षेत्र को तोड़ना होगा जो इंडिविजुअलिटीज पाई जा रही है इसको समाप्त करना होगा तब जाके चीजें आसान होंगी अब तीसरा मैंने चर्चा किया आप लोगों से तीसरा मैंने चर्चा किया था कि इंडी विजुअलिटीज ऑफ चलिए इन पूरा लिख लीजिएगा इंडिविजुअलिटीज ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग

तो ओवरऑल रोस्टिन रोड रोजेस्टिन रोडान ने क्या किया स्टूडेंट्स कि अपने मॉडल में तीन इंडिविजुअलिटीज थ्री रीजन की बात किया जो एक अल देश को आगे ले जाने में बाधा उत्पन्न करती हैं तो रोजस्टीन रोडान ने कहा अगर आप इसी को समाप्त कर देंगे ऑटोमेटिकली तो प्रॉब्लम सार्ट आउट हो जाएगी अब पीजीटी में पूछता है जे आर पूछ, पूछता है बार बार क्वेश्चन पीजीटी में

જરા બોલીએ ફિગર એક બાર ઓર સમજા દે કે આપ સબકો ફિગર થોડા હો સકતા હે આપ સબકો હાર્ડ લાગે અગર સમજ માં આ ગયા હો તો ઉસકો વિડિયો મે જાકર કે રિવાઇઝ કરકે દેખિયેગા ચીજે આસાન હો જાયેંગી અગર દિક્કત હો તો ફિર બતા દે બોલીએ ચલીએ اب થોડા જલ્દી દેખિયેગા બચ્ચો બાર બાર બનાયેંગે દિક્કત હો ગઈ હમે अब यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा ओ एक्स एक्सिस मैंने कहा ये आपका एम आर कर्व है और ये आपका ए आर कर्व है इतना जान रहे हैं नहीं आप लोग नहीं जानते हैं पढ़ लीजिएगा और मैंने कहा इसे एम सी कर्व कट कर, कर रहा है एम सी कर्व और जहां पर एमआर कर्व को एम सी कट करता है वहां पर एमआर इक्वल टू एम सी होता और यही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है और ये आपका ए सी कर्व है क्या है एसी कर्व अगर आप लेकर जाएंगे ऊपर तो ये ए पॉइंट मिलेगा और नीचे ले आएंगे ये क्वांटिटी क्यून मिलेगी ये ए आर कर इसी को डिमांड कहते हैं मार्केट डिमांड यही है ध्यान दीजिएगा यही डिमांड है आपका तो डिमांड कर को ये ऊपर ले जाएंगे तो यहां टच किया ये आपकी प्राइस है और ये आपका कॉस्ट है ये ए कॉस्ट है ना बोलिए एवरेज कॉस्ट और ये आपका प्राइस है जो डिमांड हो रही जो वस्तु के बेचने के बाद मिल रही है तो यहां पर बच्चों कास्ट ज्यादा है देखिए ओसी ज्यादा है ओपी से यानी जो मेरी वस्तु बन रही है वस्तु बन रही है पचास रुपए में और बिक रही है तीस रुपए में चलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरी वस्तु को बनाने में जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वो पचास रुपए है लेकिन तीस रुपए में बिक रही है इसकी प्राइस तीस रुपए है तीस रुपए में बिक रही है मार्केट में तो बीस रुपए का नुकसान हुआ ना बोलिए बीस रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ तो तो क्या कोई कंपनी नुकसान सहेगी बोलिए तो उसको जब लॉस होता चला जाएगा तो कंपनी एक समय आएगा अपना प्रोडक्शन बंद कर देगी और जब कंपनी प्रोडक्शन बंद कर देगी तो ये 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 डिमांड की वजह से ऐसा हो रहा है ये रजिस्ट्रीड कहते हैं ये डिमांड यानी डिमांड कम पाया जा रहा है अल्प देश के अंदर जिसकी वजह से इसकी प्राइस कम है और देखिए इतना लाश उठाना पड़ेगा कंपनी को तो वो कहते हैं कि डिमांड को बढ़ाओ वो कहते हैं डिमांड को बढ़ाओ अगर डिमांड को बढ़ाओगे तो आपका डिमांड करो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा सॉरी ये आपका ए आर करो हो जाएगा और ये आपका एसी सी करो है तो यहां पर देखिए ये आपकी प्राइस हो जाएगी और ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी तो प्राइस तो ज्यादा है ना बोलिए अब वस्तु की प्राइस ज्यादा है और ये आपका एम आर कर्व हो जाएगा ये आपका यमआर टू कर्व है ये वन है ये वन है ये वन है ये, 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 ये टू है तो अब देखिए यहां पर इक्विलिब्रियम नया इक्विलिब्रियम मिल गया E1 और ये इक्विलिब्रियम पुराना है और इस बिंदु पर यमआर टू इजकअल टू एम सी तो अब देखिए इस बिंदु पर अर्थात सी बिंदु पर और डी बिंदु पर यह आपका रिवेन्यू है ये आपका रिवेन्यू है और ये आपका कास्ट है तो जरा बोलिए बच्चों ये जो कास्ट है वो कम है और प्राइस ज्यादा है तो डिमांड के बढ़ने से जो रिवेन्यू है वो ज्यादा हो जा रही है और कास्ट कम हो जा रही है इसके माध्यम से एक कंपनी अपना उत्पादन जारी रखेगी क्यों क्योंकि उसका प्रोडक्शन तो उसका कास्ट प्रोडक्शन पचास है अब उसको मिलने लगा रहा रहा है मिल रहा है, तीस रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना क्या कोई कंपनी अपना उत्पादन कम करेगी बंद नहीं करेगी और जब बंद नहीं करेगी तो इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इसी को जारी रखने के लिए वो बिग पुस की बात करते हैं डिमांड कैसे बढ़े डिमांड को बढ़ाइए आप और डिमांड को बढ़ाने के लिए बुक एक लंबे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और विभिन्न सेक्टर में कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो अपने माइंड में ध्यान में रखकर करेंगे कि हम किन किन सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट करें ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोड पर ही सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कर दें ऐसा नहीं है एजु, एजु, एजुकेशन पर एजुकेशन गया तेल लेने एजुकेशन गया भाड़ में मेडिकल, मेडिक, मेडिकल फैसिलिटीज गई भाड़ में आपने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस कर दिया अब जब लोगों के पास सी ही नहीं है नॉलेज ही नहीं है तो क्या जाएंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर लेंगे तो वही कहते हैं मॉडल में कहते हैं रोजस्टीन, प्रोफेसर रोजस्टीन, कि आपको इन्वेस्टमेंट बिग करना है लेकिन आपको अपने माइंड में यह याद रखना होगा कि हम किन किन सेक्टर में कितना कितना इन्वेस्टमेंट करें अब क्लियर हुआ बोलिए आप आप नहीं समझ पाए होंगे तो हम समझा भी नहीं पाएंगे किसी किसी कोई प्रॉब्लम बोलिए किसी की कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स अब आपको अपने माइंड में ये रखना होगा आनंद आया पढ़ने में बड़ी मजेदार थियरी थी थोड़ा कंसंट्रेशन बनाइए थोड़ी समझदारी चैट वगैरह को बंद कर दिया करें पढ़ते वक्त बी कंसंट्रेट सिर्फ आप सबको मेरी आवाज़ सुननी है ब्लैक वाइट बोर्ड पर देखना है समझ रहे हैं आप एक अच्छा विद्यार्थी जिसका कंसंट्रेशन पावर एकदम शानदार होता है सर डीजे जे बजट कोई प्रॉब्लम नहीं सर कोई चिल्ला रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं बी कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन पावर से जो व्यक्ति सुनता है मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है अगर कंसंट्रेशन के साथ अगर किसी को आपने सुन लिया मेरा खुद का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स कभी भी भूलता नहीं कोई व्यक्ति वो उस समझ उसे नहीं आती जो चक्कर पकड़ देखता है पढ़ रहा है मोबाइल में अब देख रहा है मम्मी से बात कर रहा है मोबाइल चल रही है ऐसे लोग कभी नहीं समझ पाएंगे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है वो बात कर रहा है दोस्तों से ऐसे लोग कभी नहीं समझ पाएंगे लेकिन जो व्यक्ति कंसंट्रेशन से व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड टीचर को सुनता है देखता है उस ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं समझ में आएगा समझ उसे नहीं आता जो कंसंट्रेशन नहीं बनाता इसलिए कहते हैं ना कि आप लोग सिर्फ कंसंट्रेशन से सुनिए और सुनने के बाद सिर्फ एक सिंपल नोट्स बना लीजिए कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी बाकी मैं नोट्स तो दूंगा ही अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपका एक मॉडल था इसको आप लोग रिवाइज करके एक बार देख लीजिएगा अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों से ऑफलाइन होली के बाद मिलूंगा और मैं होली के बाद आप सबको पढ़ाने का प्रयास करूंगा अब होली तक आप लोग रहिए थोड़ा मैं भी व्यस्त हूँ मेरा एग्जाम वगैरह है तो थो� इसलिए थोड़ा मैं आंसर राइटिंग वगैरह कर रहा हूँ तो थोड़ा व्यस्तता रहती है लेकिन समय निकालकर आप सबके बीच में भी आता हूँ जो मेरी और भी क्लासेज है मैं उसमें भी चला जाता हूँ तो प्रॉब्लम ना होने पाए आपका भी नुकसान ना हो मेरा भी नुकसान ना हो यही एक समझदार व्यक्ति की पहचान है स्टूडेंट्स मेहनत करिए लगे रहिए जिंदगी अमूल्य है परिश्रम हार्डवर्क टू सक्सेस सिर्फ सिर्फ ओनली ऑनली बिलीव करिए आप हार्ड वर्क सक्सेस कुछ भी नहीं है इसके अलावा पूजा करिए पाठ करिए लड्डू चढ़ाइए मिठाई चढ़ाइए कुछ भी नहीं ये सिर्फ कहने की बातें हैं ईश्वर कहता है हम आपके साथ हैं प्रभु कहते हैं मैं आपके साथ हूं मुझे यहां आने की आवश्यकता नहीं है मुझे मत देखो तुम स्वयं अपने आप को देखो अपने अंदर झांक के देखो मैं आपके अंदर हूं और कहते हैं तुम कर्म विश्वास करो ना तुम क्यों इस लोगों के लोके चारों में डीजे साउंड में कीर्तन में भजन में व्यस्त हो हाँ ठीक है एक चीज है माइंड को कंसंट्रेट करने का आप उसको यूटिलाइज करिए सुनिए अच्छे से माइंड को यूटिलाइज करिए लेकिन कर्म में विश्वास रखिए हार्ड वर्क में विश्वास रखिए यही एक चीज है जो आपको बदल सकता है मेहनत ही ऐसा है जो आपको बदल सकता है कहते हैं ना कि रंग लाती है हिना सिल पर पीसे जाने के बाद सफलता मिलती है कठिन परिश्रम करने के बाद सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती स्टूडेंट्स बड़ा झेलना पड़ता है बड़ा रोना पड़ता है बड़ा मोटिवेट होना पड़ता है कभी कभी डीमोटिवेट होना पड़ता है लंबा संघर्ष लगता है देखिए मैं बता दिया रोडॉन मॉडल से एक सीख मिलती है जिंदगी में एक धक्का लगाइए अपने जिंदगी में एक ऐसा धक्का लगाइए कि ताकि आप के आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ पाए और यहां पर जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो टाइमली इन्वेस्टमेंट करना है डेली कंटिन्यूटी के साथ इन्वेस्टमेंट करना है टाइम का बेस्ट पॉसिबल यूज आप कैसे करें ताकि आप मॉडल से सीख ले सकते हैं सर हमें भी अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना है किसका टाइम का किस तरीके से एक समय समय एक निश्चित में आप किस तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हैं मेहनत करिए जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो है आपका मेहनत जो आपका इन्वेस्टमेंट है वह आपका टाइम टाइम का बेस्ट पॉसिबल यूज आप कैसे कर रहे हैं ये मायने रखता है बाकी अगर जो भी व्यक्ति अगर इस पार्क में चल रहा है तो कोई आपको रोक नहीं सकता सफल होने से हो सकता है कि आप देर सफल हो हो सकता है कि आप पहले सफल हो ये डिपेंड्स करता है आपकी सोच के ऊपर ये डिपेंड्स करता है आपकी मेहनत के ऊपर अब ऐसा अपवाद भी एक्सेप्शनल केस तो हर जगह है कोई व्यक्ति कब मेहनत किया जल्दी सफल हो गया उसकी स्ट्रेटजी क्या थी कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत किया बहुत लंबे समय में जाकर सफल हुआ उसकी स्ट्रेटजी में क्या कमियां थी ये होता रहता है लेकिन मेहनत करने वाले व्यक्ति ऐसा कभी नहीं दिखाई देगा जो असफल हो गया हो समझ रहे हैं आप कोई उस बाह एक्टिविटी की वजह से लोग गड़बड़ हो जाते हैं बात अलग है ठीक है स्टूडेंट्स <coughs> भास्कर क्या कह रहे हैं आप चलिए ठीक है मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिलने का प्रयास करूंगा आशा है चीजें आपको आसान भाषा में सम समझ में आई होंगी रिवाइज कर लीजिएगा आराम से समझ में आ जाएगा ओके गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू लगे रहिए मेहनत करिए स्टूडेंट थैंक यू थैंक यू